ग्राम सोनामान विकासखंड मैनपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 30 वर्षों से 45 परिवार निवासरत है। यहाँ के 44 लोगों द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टे के मांग को लेकर आवेदन किया गया था, लेकिन इतने वर्षों के संघर्ष जारी रखने के बाद भी आज तक इन 44 लोगों को जमीन का अधिकार पत्र नहीं मिल पाया है। पट्टा का मांग करते हैं, यही खेत हरे तो यही खेत के पट्टा के मांग करते हैं। हाँ। खेत के पट्टा के मांग कर का धान बो है सीमा बूटा बोरी धान बोने। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है तो और खेत एकड़ के एकड़ है? यहाँ 10 एकड़ है दीदी, यहाँ पूरा 10 एकड़ तक। 10 एकड़ है, काबिज करे है। एक कनी धान बुने है, एक कनी मक्का बुने है, एक कनी और फली बुने है, ऐसा ऐसा काम करे। गांव में के जन के पट्टा नहीं है जमीन के? 130 आदमी का पट्टा उट्टा के बारे चर्चा चला मीटिंग करके, तो डीसी लोग उसको क्वेश्चन किए कि सोना माल के बारे क्यों पट्टा नहीं मिल रहा है। पब्लिक लोग पूरा आवेदन दिए थे, फार्म वार्म सब भरे थे, तो उसको क्यों पट्टा नहीं दे रहे हो? तो एकदम साहब बोले कि सही बात है, उसको पट्टा देना चाहिए, 95-96 का जमीन कटा हुआ है, उसको पट्टा देना चाहिए। तो चपरा से लंजर लोग बोले कि नहीं, वो जंगल है। तो ईटन साहब बोले कि तू इतना दिन कहाँ गए थे यार, तो अभी तू जंगल है बोल रहा है, तो उन लोग आवेदन टेगा रहे कि अभी सब कम से कम 95-96 के काटे हुए जमीन है, क्यों उस लोग तुम रोक लगा रहे हो, पट्टा नहीं दे रहे हो? इसी के नोटिस ये है और नकल के नोटिस ये वाला है, ये वाला ये तुम्हारे जमीन के है, जमीन के रसीद इसमें पेशी हुआ है हमको, 8 आदमी को, 9 आदमी, लेकिन पट्टा नहीं, पट्टा नहीं मिला। बरसों से काबिज ग्राम सोनामार के ग्रामीणों को जमीन का अधिकार पत्र मिले, जिस इसके लिए जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अधिकार पत्र दिलाने के लिए मैनपुर विकास खंड के DFO को उनके मोबाइल नंबर पर 7587011430 पर कॉल करें और ग्रामीणों को उनके अधिकार पत्र दिलाने के लिए उन पर दबाव डालें, ताकि ग्रामीण अपने जमीन पर सुरक्षित रूप से खेती कर सके और उन्हें बेदखली का भय ना हो। मैं रीना रामटे के ग्राम सोनामार विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए।